मुंबई की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले बाबा सिद्दीकी की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई में बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ा तो बिहार में मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पैतृक गांव गोपालगंज के मांझा में मातम पसरा हुआ है। लालू परिवार के लोग आहत हैं। बिहार कांग्रेस में गुस्सा है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू भी बाबा सिद्दीकी की हत्या से हतप्रभ हैं। सांसद पप्पू यादव तो सीधे सीधे लॉरेंस गैंग को ललकार रहे हैं। गोपालगंज के एक छोटे से गांव मांझा से निकलकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी ने अपनी पहचान बनाई। मुंबई की सियासत में बाबा सिद्दीकी का सिक्का खूब चला तो बॉलीवुड में भी बाबा सिद्दीकी बड़े बड़े फिल्मी सितारों के अजीज रहे। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या से न सिर्फ मुंबई बल्कि बिहार भी गमजदा है। पैतृक गांव मांझा में मातम पसरा है। सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी पे गोली चल गई है और उनकी हत्या हो गई है। ये यह घटना सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और शॉक्ड हो गए और बहुत दुख हुआ। बिहार के सियासी गलियारों में भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर हंगामा बरपा है। तरह से उनकी हत्या की गई, काफी लोगों को इसका दुख है और दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। देखिए, बाबा सिद्दीकी जी की मौत निसंदेह बिहार के लिए एक बड़ी क्षति है। बिहार में जन्मे, बिहार के अनेक समारोहों में उनकी उपस्थिति समय समय पर होती थी और लोगों के साथ उनके बेहद आत्मीय संबंध थे। लालू यादव से भी बाबा सिद्दीकी के नजदीकी रिश्ते थे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हाल ही में मुलाकात हुई थी। भले ही आखिरी वक्त में बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत गुट में थे, लेकिन बाबा की सियासत की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। बाबा की हत्या पर कांग्रेस भी हमलावर है। हम लोग पहले कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, प्लस बिहार के रहने वाले थे, तो मिलना जुलना बिल्कुल था। और रात को जब उनकी हत्या की खबर आई तो हम लोग भी सब दुखी हुए कि मर्माहत हुए। पता नहीं हत्या का क्या कारण था कि वहाँ सरकार है और इधर वो कांग्रेस छोड़ के एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए थे, तो उन्हीं लोगों की सरकार है। सरकार को पता लगा के और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। संबंध थे और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। किन परिस्थितियों में किसने इस आपराधिक जघन्य अपराध करके बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी जेल में बंद कुख्यात माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सलमान खान से लॉरेंस गैंग की पुरानी अदावत है। बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती थी, तो क्या सच में बाबा सिद्दीकी को सलमान खान से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ी?